गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम लोग निवास करते हैं, ऐसा ही बहुत सारे ग्रह है जैसे शुक्र, शनि, बृहस्पति, यूरेनस इत्यादि। आज का वीडियो इन्हीं ग्रहों पर आधारित है। यह वीडियो सभी वर्ग के बच्चों को देखना चाहिए और इन ग्रहों के बारे में विशेष रूप से जानकारी हासिल करना चाहिए। दोस्तों, मैं बता दूं कि यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो ग्रह के बारे में जो भी कन्फ्यूज़न आपका होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। एक एक ग्रह के बारे में डिटेल्स में मैं आज बताऊँगा। मात्र यह 5 से 6 मिनट का वीडियो है, लेकिन इस छोटे से वीडियो में आपको विशाल जानकारी मिलने वाला है। प्रत्येक ग्रह के बारे में डिटेल्स में मैं बताऊंगा। तो चलिए, बिना समय गवाओ हम लोग इन ग्रहों के बारे में जान लेते हैं तथा हम ये भी जानेंगे कि सौर मंडल क्या है, इसमें कितने ग्रह हैं, किनका काम क्या है, कितनी दूरियां हैं, कितना उसका त्रिज्या है। बिल्कुल डिटेल्स में हम लोग आज सीखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषय की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी तथा अन्य विषय भी आपके सुपर हो जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और अपने विषय की तैयारी बढ़िया से कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सौर मंडल के बारे में विशेष रूप से। आज हम लोग सौर मंडल के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहा जाता है, जिसका प्रधान सूर्य है और इन सूर्य के चारों तरफ ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। आज हम लोग सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले उन समस्त ग्रहों के बारे में जानेंगे। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन बाद में सन 2006 ईस्वी के सम्मेलन में इन ग्रहों को तथा आकाशीय पिंडों को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग बनाया गया परंपरागत ग्रह, दूसरा बौना ग्रह और तीसरा लघु सौरमंडलीय पिंड। परंपरागत ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को रखा गया तथा बौने ग्रह के अंतर्गत प्लूटो, चेरोन, सेरस 2003 यूबी 313 को रखा गया और लघु सौर मंडलीय पिंड के अंतर्गत धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंडों को रख दिया गया। चलिए, आज हम लोग परंपरागत ग्रहों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहला और सूर्य के निकट का ग्रह है मरकरी, जिसे बुध कहा जाता है। तो चलिए, पहले हम लोग बुध के बारे में, मरकरी के बारे में जानते हैं। मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है तथा बुध सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशेष गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है तथा यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा कर लेता है। मरकरी के बाद वेनस अर्थात शुक्र ग्रह आता है। चलिए हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है।
यह सबसे अधिक चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त दिशा में परिभ्रमण करता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह का घनत्व, आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है। इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का व्यास 12,104 किलोमीटर है तथा यह ग्रह अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरा करने में 243 दिन लेता है। और शुक्र ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में 224.7 दिन लेता है। इसके बाद आता है जुपिटर अर्थात बृहस्पति ग्रह। तो चलिए हम बृहस्पति ग्रह के बारे में जानते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 12 वर्ष लगता है। यह अपनी धुरी पर सबसे कम समय में परिक्रमा पूरा करता है, मात्र 10 घंटा में। इस ग्रह का उपग्रह ग्यानीमेड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है तथा इसका रंग पीला है। बृहस्पति ग्रह के पास कुल 67 उपग्रह हैं, जो सबसे अधिक है। इतना उपग्रह अन्य किसी ग्रहों के पास नहीं है। अगला ग्रह है मार्स अर्थात मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान दो ध्रुव हैं तथा इसका कक्षा तले 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। इसी कारण से यह माना जाता है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। मंगल ग्रह अपने धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके दो उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 687 दिन लगता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस सेमी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। अगला ग्रह है सेटर्न अर्थात शनि। चलिए हम लोग अब शनि ग्रह के बारे में जानते हैं। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसके तल के चारों ओर वलय है। इस कारण से शनि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस कारण से शनि को सुंदर ग्रह भी कहा जाता है। शनि के पास लगभग 61 उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह आकार में बुध के बराबर है। शनि का एक उपग्रह फोबे है, जो इसकी परिक्रमा शनि के ठीक विपरीत दिशा में करता है। शनि का व्यास 1,20,536 किलोमीटर है तथा शनि अपने अक्ष पर 10.3 घंटे में एक परिक्रमा पूरा करता है। और यह ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में 29.5 वर्ष लेता है। अगला ग्रह यूरेनस अर्थात अरुण है।
चलिए अरुण के बारे में हम लोग जानते हैं। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अरुण ग्रह के चारों ओर 9 वलय हैं। इन 9 वलयों में 5 वलय का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। यह ग्रह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर शुक्र ग्रह के समान दक्षिण दिशा की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर वामावर्त घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि यह लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। इस कारण से इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके सभी उपग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इस ग्रह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। इस ग्रह का कुल 27 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। इस ग्रह का व्यास 51,118 किलोमीटर है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरा करने में 17.2 घंटा लेता है तथा यह ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में 84 वर्ष लगाता है, क्योंकि यह सूर्य से दूर है। इसके बाद नेपच्यून अर्थात वरुण ग्रह आता है। चलिए वरुण ग्रह के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। वरुण ग्रह का खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जोहान गाले ने किया था। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंगा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है। इसके पास कुल 13 उपग्रह हैं। इन सभी उपग्रहों में ट्रिटॉन सबसे प्रमुख उपग्रह है। वरुण ग्रह का व्यास 49,100 किलोमीटर है। यह ग्रह अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरा करने में 17.1 घंटा लेता है तथा यह ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में 164.8 वर्ष लगाता है। यह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। इस कारण से इसको परिक्रमा करने में बहुत अधिक समय लगता है। इसके बाद अति महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी आता है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी के बारे में जानते हैं। हम तो ये भी जानते हैं कि हम लोग इसी ग्रह पर निवास करते हैं। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.12 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी के इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहा जाता है। इसी गति के कारण धरती पर दिन और रात होता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है, जो लगभग 365 दिन 6 घंटे के बराबर है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है।
प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन हो जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन तथा रात होता है और वार्षिक गति के कारण ही दिन तथा रात बदलते रहता है और छोटा बड़ा होता रहता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षा के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी पर शीतलता प्रदान करता है। चलिए तो बस हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बौना ग्रह और लघु सौरमंडलीय पिंड के बारे में जानेंगे। तब तक आप से हम विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू। और दोस्तों, हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ।